नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका राइट न्यूज़ 24 पर और मैं हूं आपके साथ दीपक भारद्वाज। और इस समय एक अपडेट जो है आप लोगों तक पहुंचाने के लिए दोबारा से हम लाइव हुए हैं। आपको बता दें, ये जो आप दुकान देख रहे हैं, जिस दुकान में ये सारा घटनाक्रम हुआ है और युवक की जो मौत हुई है, उस युवक की मौत के बाद जो है दुकानदार, जो ये दो दुकानदार थे आरोपी, इन्हें भी जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और इन्हें भी जो है धर्मशाला जोनल अस्पताल ले जाया गया है मेडिकल के लिए। तो ये एक जानकारी जो है आप लोगों तक साझा हम लोग कर रहे हैं कि जो आरोपी दुकानदार है, जिस दुकान में सारा घटनाक्रम हुआ है, आरोपी दुकानदारों को जो है पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और फिलहाल जो है उन्हें भी जो है अस्पताल मेडिकल के लिए ले जाया गया है। आज लगभग 1 बजे जो है ये सारा घटनाक्रम जो है भागसुनाग में हुआ है, जहां पर पंजाब के फगवाड़ा से आए हुए 4 पर्यटक में से एक पर्यटक का जो मर्डर यहां पर किया गया है। और उसके बाद से फिलहाल जो है जो सीसीटीवी फुटेज जो है फॉरेंसिक डिपार्टमेंट और पुलिस की टीम द्वारा जो है वह यहां से एकत्रित कर ली जाएगी और उसी सिलसिले में जो है पुलिस की टीम अभी यहां पर मौजूद है, फॉरेंसिक की टीम यहां पर मौजूद है। जो भी यहां पर एविडेंस जो उन्हें यहां पर मिलते हैं वह ज़रूर कुछ ही देर में यहां पर कलेक्ट कर लिए जाएंगे। और जो साथ की जो एक दुकान है उसे भी जो है अब दुकान बंद करने का आदेश दिया गया है और उसे भी जो है मेडिकल के लिए फिलहाल ले जाया जा रहा है। यहाँ देखते हैं भागसुनाग में इस समय मौजूद हैं और इसे जो युवक है, ऐसा कहा जा रहा है कि यह युवक भी जो है, इस युवक ने सारा घटनाक्रम देखा है और कहीं ना कहीं जो है यह उन लोगों को जानता होगा और इसके चलते जो है इस युवक को भी जो है अब यहां से ले जाया जा रहा है और पूछताछ जो है वो इसके बारे में जो है आगे की जाएगी। आप देख सकते हैं पुलिस की टीम, फॉरेंसिक की टीम जो है यहाँ पर मौजूद है और सभी जो है एविडेंसेस यहाँ पर वो पुलिस की टीम द्वारा जो है कलेक्ट कर लिए जा रहे हैं। और फिलहाल जो जानकारी है वह है जो ये दुकान है जहाँ पर ये सारा घटनाक्रम पेश हुआ है, दुकानदारों को, आरोपी दुकानदारों को जो है गिरफ्तार करके ले जाया गया है। आपको एक बार फिर से बता दें कि भागसुनाग में आज लगभग 1 बजे पंजाब के फगवाड़ा से 4 युवक जो है यहाँ घूमने के लिए जो आए हुए थे और यहाँ इस दुकान में जो है वह कुछ खाने पीने के लिए यहाँ रुके थे और जब यहाँ उनकी कहासुनी हुई और उस कहासुनी के बाद जो है लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया कि स्थानीय भी कुछ, ऐसा कहा जा रहा है कि टैक्सी चालक और होटल्स के कुछ लोग जो है वह इस लड़ाई में पड़े और लगभग 12 से 15 लोग जो हैं उन 4 युवकों के ऊपर पड़े और उसमें एक युवक की जो है मौत यहाँ पर हो गई है। और उसके बाद से जो है पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है और जांच जो है लगातार भागसुनाग में की जा रही है और आसपास के इलाकों को खंगाला जा रहा है, कहीं से सीसीटीवी फुटेज और कहीं से जो लोग ऐसे मिले जहाँ पर वो उन आरोपी लोगों को पहचान सके। और आपको बता दें जो सारा घटनाक्रम है, जो यहीं पर एक होटल है जहाँ पर ये कुछ पर्यटक जो है यहाँ पर रुके हुए हैं, आपको दिखा दें, जो वो महिला आप इस होटल में खड़ी हुई देख रही हैं उन्होंने सारा घटनाक्रम देखा है और उन्होंने भी यहाँ पर जो है आकर बीच बचाव करने की कोशिश की लेकिन इन महिला ने जो है हमें सारे घटनाक्रम की जानकारी दी है किस तरीके से ये घटनाक्रम सारा हुआ है और किस तरीके से जो है यहाँ पर युवक की हत्या यहाँ पर की गई है। तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को फॉलो आप ज़रूर करें। फिलहाल जो जानकारी जो थी फिलहाल इस मामले में वो हम अब तक पहुंचा चुके हैं और इसके आगे जो भी जानकारी अब रहेगी वह ज़रूर हम आपको अपडेट करते रहेंगे, इसलिए आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। और तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।